अमेठी के राज्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, लगाए जमकर नारे, किया विरोध प्रदर्शन, कहा गंभीरता पूर्वक निर्णय न लेने पर सारे राज्य कर्मचारी करेंगे आंदोलन, सैकड़ों लोग जुटे। इन मांगों पे जो कि जायज मांगे हैं इस पे आप अपना निर्णय लें, अन्यथा की स्थिति में सारे राज्य कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन भी हो सकता है। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोलियां, दबंगों ने कक्षा 9 के छात्र को मारी गोली, छात्र की हालत नाजुक देखकर डॉक्टर्स ने किया प्रयागराज रेफर, कोतवाली के टक्करगंज मोहल्ले की है घटना, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, लोगों के बीच मचा हड़कंप। चार दिन पहले जो है गोली मार देंगे। सुल्तानपुर के बस स्टेशन स्थित पेट्रोल पंप पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न, अनूप संडा ने कहा विकास के क्षेत्र में वैश्य समाज ने एक शिल्पी की भांति दिया है अपना सहयोग, बैठक में कई नेताओं सहित सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। सुल्तानपुर में गोवंश पालकों योगी सरकार दे रही है तोहफा, पशुपालकों को 900 रुपए महीना देगी सरकार, 30 रुपए प्रति जानवर का खर्चा देगी सरकार, पशुपालकों के लिए सरकार की तरफ से हुई सरकारी घोषणा। अगर 900 रुपए में ऐसी व्यवस्था चलाते हैं तो इसमें जो है गौ हत्या ही है और इसमें बछड़ों की हत्या है। प्रतापगढ़ जिले के सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कब्जा हुआ समाप्त, राजा भैया कई दशकों से बैंक के अध्यक्ष पद पर काबिज थे, कैबिनेट मंत्री के भतीजे प्रदीप सिंह सहकारी बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष हुए निर्वाचित। संस्था को चलाने का जो उन्हें अवसर मिला है अपने 13 साथियों के सम्मान की रक्षा करते हुए जितना इसे आगे ले जाएंगे मैं मानूंगा तो वही हम सबकी उपलब्धि आपका। अमेठी के गौरीगंज में स्मृति ईरानी के आगमन को लेकर आवागमन हुआ ठप, मुंशीगंज चौराहे पर लगा भीषण जाम, आम जनता को करना पड़ा भारी दिक्कतों का सामना, स्कूल की कई बसें घंटों तक जाम में फंसी रहीं, लोगों में आक्रोश। सुल्तानपुर में ट्रेन से सफर कर रही महिला के साथ हुई चोरी, महिला के भाई ने शातिर चोरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, चोर की सहायता करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल, जमानत होने पर युवक ने जीआरपी पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने के बाद जेल भेजने का लगाया आरोप, जीआरपी पुलिस के खिलाफ युवक ने सीएम व प्रदेश के अधिकारियों से की शिकायत। 5-6 लोग पकड़े थे, 7-8 लोग मिलकर लाठी से बहुत बुरी तरीका मार के जबरदस्ती मुझसे खुलवा रहे थे कि ये गुनाह कबूल कर कि तूने लिया है चोरी का सामान, अब किसी सफर का बड़ा नेता का मामला है भैया, वो बार बार फोन कर रहा था तो बता रहे थे हमसे, कह रहे थे कि देख ऊपर से दबाव आ रहा है, मुझे ये केस सॉल्व करना है, तू मुझे 50,000 रुपये दे दे, मैं सोना खरीद के उससे दिखा दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, मैं तो तेरी तो मैं उल्टा सीधा कर दूंगा, बुरी बुरी हमें गाली देने लगी भाई और बहुत बुरी तरीका मार के मुझे कबूला गया, मेरे ऊपर फर्जी केस लगा के मुझे अंदर कर दिया गया। सच्चाई वही जो हम बताएं।